जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज आप सभी को पता है कि 27 तारीख को हमारा जो केस है उसकी जजमेंट आ रही है। अभी जजमेंट पर एक बार फिर हमारे जो बाकी साथी हैं उन्होंने पिन मारना शुरू कर दिया है, तो उस चीज की भी मैं बात करूंगा। अभी मैंने हमारे वकील पांडे जी से भी बात की है कि साहब जो ये फैसला है अभी जैसे 5 ही याचिकाओं पर आ रहा है, बाकी का क्या होगा। तो पांडे जी ने कहा कि पहले 27 की कॉपी आने दो, इसमें क्या क्या कवर होता है। हमारी याचिका में दोनों चीज थी, हो सकता है इसी में दोनों कवर हो जाए, हो सकता है फिर नेक्स्ट फेज का जो फैसला आए उसमें हमारी चीजों को कवर किया जाए बची हुई को। लेकिन अब हमारे साथ थी, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि रविंद्र फौजी को इस समय कैसे ले डाउन किया जाए। तो मैं मेरे से जुड़े हुए साथी हैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको अगर मेरे पे विश्वास है तो विश्वास रखो, मैंने जो मेरी तरफ से काम किया है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मैंने बताया था कि कल से मेरी तबीयत खराब है और मैं लाइव आकर मैंने सारी चीजें बता भी दी थी, और मैंने ये भी बताया था कि अब कॉल मत करना, उसके बावजूद कॉल आ रहे हैं। तो मैं क्या समझूं कि जो जिन बच्चों के कॉल आ रहे हैं या जिन लोगों के आ रहे हैं या तो उनको विश्वास नहीं है, ये लोग जैसा गाइड करते हैं आप उसी को सुनकर फोन कर देते हो। इन्होंने ही एक बात कही थी साथ में बैठा कर कर्नल अमित को कि देखो कर्नल अमित साहब तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने पेंडिंग रिक्रूटमेंट और अग्निपथ दोनों का डाला है। कर्नल अमित का भी कल हमारे साथ ही फैसला आ रहा है, उस बात का जिक्र नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये लगातार कहते हैं कि 12 तारीख को अग्निपथ की सुनवाई हुई थी, उसके बाद में 14-15 को पेंडिंग रिक्रूटमेंट की सुनवाई हुई थी। तो भैया ये देख लो आप, हमारी 12 को भी ये इसमें दिख रहा है, तो इसमें नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये सारी तारीखें हमारी जो सुनवाई हुई है देख रहे हो, लास्ट जो सुनवाई ये बोल रहे हैं जो 12, 14 और 15 तीनों दिन हमारे केस की सुनवाई हुई थी। लगातार आप जो पढ़ा लिखा है वो उसमें जाकर देख सकता है, लेकिन क्या देखना नहीं है, सिर्फ बाकी लोग कहते हैं तो उस पर आरोप करना शुरू कर देते हैं। पहले ये लोग बोलते रहे कि अग्निपथ की वजह से हमारा लेट हो रहा है और अब अग्निपथ का फैसला पहले आ रहा है। मैंने पांडे जी को कहा ये चीजें कि भाई ये चीजें अलग अलग फेस में आ रही हैं कि क्या है, तो उन्होंने बोला है कि पहले कॉपी आने दो, इस कॉपी में क्या क्या कवर होता है। हो सकता है इसमें दोनों चीज कवर हो जाए, कि अग्निपथ में जो बदलाव के मैटर है वो भी और ओल्ड रिक्रूटमेंट भी इसी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हमारा जो दो फेस है दोनों उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि हमारा अग्निपथ में बदलाव के साथ साथ पुरानी भर्ती, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, उम्र सीमा में छूट, ऐसे सारे के सारे मुद्दे दिए हुए हैं। तो उनका फैसला आने दो भाई। जिस दिन जब कोर्ट पे बहस चल रही थी उस दिन भी इन्होंने यही मौका उठाया, फायदा उठाया, दो दिन बाद ऐसा हुआ, वो नहीं बोला, ये नहीं बोला, जबकि कई लोगों के वकील 15 को मौजूद ही नहीं थे, और हमारे वहां 3 दिन वकील भी मौजूद थे जिनके नाम भी आप लिस्ट में देख सकते हो, 7 वकील थे। और जब शुरू में अग्निपथ की हुई उस दिन भी वकील ने हमारे ने शुरू से ही बोला था, और जब भर्तियों की बात आई और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब वो ऑलरेडी जज साहब ने कह दिया था कि भाई ये 22 मैटर एक जगह हैं और इसमें अग्निपथ का तो जो मोटा मोटा आना था वो आ ही चुका, और ओल्ड रिक्रूटमेंट का ये जो बात है जैसे प्रशांत भूषण जी ने बोला था और भी एक दो वकील हैं उन्होंने बोला था, तो कह रहे हैं कि भाई ये मामले तो एक ही हैं, आप भी तो यही चाहते हो, आप भी ये, तो उसको लंबा नहीं बढ़ाकर खुद जज साहब ने बोला था कि हम मैटर समझ गए, अग्निपथ में बदलाव के साथ साथ रिक्रूटमेंट आप चाहते हो तो वो सारे फैसले सब पर लागू होंगे। लेकिन अब बस वो एक धजा बांधने वाली बात है कि साहब देखो हमारे फैसले में सिर्फ नाम आया है, अरे बल्कि सीधा सीधा जज साहब ने कहा है कि सारे के सारे फैसले सब पर लागू होंगे, ये हमारा आज 27 को आ रहा है वो भी, आगे जो भी आएंगे वो भी सब पर लागू होंगे और वो सबके लिए कॉपी सभी को दी जाएगी उसकी। तो ये धजा बांधने वाले मैं फिर कह रहा हूं कि आगे हमने लड़ाई लड़नी है, अभी फैसला आया नहीं है। आज ये इस तरह मतलब जिस भाषा से बहुत अच्छे से लोगों को कह रहे हैं ना, इनके पीछे की जो मंशा है ना वो चेहरे से ही पता चल जाती है कि इनका चेहरा क्या कहना चाहता है।
तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी लड़ाई बाकी है, फैसला आया नहीं है, अभी तो 27 को क्या आ रहा है, और उसके बाद इसी वीक में लगभग 27-28 हो सकता है, अभी लिस्ट आ सकती है, सारे ही 27 को आ जाए, हो सकता है 28, 29, 30 यानी अगले वीक में आ जाए, और वो सारे फैसले सब पर लागू होंगे, और हम चाहते हैं कि सबका भला हो, हमने शुरू में भी कहा था। लेकिन ये भले के साथ साथ अभी आपस में पहले भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने कल जैसे धरना दिया उसमें भी कहीं ना कहीं कम संख्या होना वो भी इन लोगों का ही वो था। लेकिन चलो हमने धरना दिया और भगवान ने, बोलते कोई नहीं सुना तो भगवान सुना, जज साहब सुना, और हमारा 24 को ही लिस्ट आ गई, 23 को धरना दिया, 24 को लिस्ट आ गई। उसके लिए नहीं बोलेंगे ये कि भाई हाँ उन्होंने थोड़ा सा जो काम किया था उसकी वजह से आ रहा है ना। अभी इन्होंने तो एक पॉइंट है ये ना, कर्नल अमित सर की बात करेंगे, उसके अंदर 5 फैसले हैं, 5 में से 3 याचिका ऐसी हैं जिन याचिकाओं में दोनों हैं, अग्निपथ भी और ओल्ड रिक्रूटमेंट भी है, लेकिन ये उस चीज की नहीं बताएंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके, आप बांध लो धजा, आपको बांधनी है तो रविंद्र फौजी को धजा बांधने की जरूरत तो नहीं है, रविंद्र फौजी ने पहले इतना काम कर रखा है कि जितना मेरी औकात है उससे ज्यादा मेरा नाम है। मैं नाम के लिए नहीं मरता, मैं काम करता हूँ, ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ कि वो क्या चाहता है। दूसरों की बुराई करके ऊपर कोई नहीं जा सकता, आपका काम करो, कर्म करो और ऊपर बढ़ो। मैं फिर कहता हूँ आपको धजा बांधनी है तो भैया मैं माला डाल दूंगा आपको, लेकिन इस समय जब तक फैसला नहीं आता, फैसले के बाद भी हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाए, या हो सकता है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन अगर ये आपस में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये ही सरकार का खेल है, और ये खेल हो सकता है कि दो फेस में फैसला देंगे, इन लोगों को आपस में घुमरा कराएंगे, जिन अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं सारा दिमाग लगा रहे हैं, हमारे से बहुत बड़े बड़े दिमागदारी है वहां, पता नहीं किस सिचुएशन में ये फैसला इस दिमाग से दिया गया है कि इनको दो फेस में दे दो, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करा दो, या आपस में लड़ेंगे उसके बाद दूसरे फैसले में अगर 19-20 हो गई, अगर बिखर गए ना तुम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा पाओगे और ना आगे कोई धरना दे पाओगे। अगर आपको लगता है कि भाई यही लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं तो मेरा हमारा ऑलरेडी ORP का धरना चल रहा है सैनिकों का, बहुत से सैनिकों के मुद्दे सिर्फ इसलिए छोड़े थे कि भाई इन बच्चों की लड़ाई हम लड़ें, आगे देश का ये भविष्य है सेना में जाने वाले लोग, और ये जो 4 साल की नौकरी है मुझे पता है कि ये देश का भविष्य खराब कर देगी, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, फिर भी लगता है तो आप मेरे को बता देना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो सरकार का खेल, आपको सारे फैसले आ जाने दो, फिर पता चलेगा अगर 19-20 कोई बात हुई इससे आगे सरकार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, या हमें जाना पड़े, हमें दोबारा फिर कोई धरना देने पड़े, तो ये लोग फिर गायब हो जाएंगे और फिर रविंद्र फौजी अकेला लड़ता ही मिलेगा। मैंने फिर कहा था कि मैं हमेशा लड़ता हूँ, लड़ता था और लड़ता रहूंगा, मेरे को कोई नाम का शौक नहीं है। मैंने पहले कहा था कि वकीलों का काम है, जो वकीलों ने किया है हमने हमारा काम किया है, कॉफी आने दो, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो हम बात करेंगे, वकीलों से बात करेंगे, लेकिन आपसे डिस्ट्रीब्यूट पैदा ना करो। मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं ज्यादा फिर कह रहा हूं कि मेरे को अभी कॉल नहीं करेगा सोमवार तक कोई भी जिनको मेरे पर विश्वास है, फैसला आने दो, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आई हैं और क्या नेक्स्ट उसमें आएंगी, और ये पूरा ये जो सोमवार मंगलवार ये सारा सबका इसी एक हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ 19-20 हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूट वाले इसका फायदा सरकार उठाएगी, और फिर बोलोगे कि हाँ रविंद्र फौजी हमेशा से कहता रहे एक रहो, लेकिन ये एक नहीं, ये नाम के लिए टुकड़े कर देंगे हमारे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से मैं से एक चीज कहना चाहता हूं कि 27 को हमारा फैसला जो आ रहा है 5 याचिकाओं पर, उसके बाद बचा हुआ भी अगले हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी से जो हमारे कुछ भाई बंद हैं डिस्ट्रीब्यूट जो पैदा कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये गलत काम मत करो, अपने नाम के लिए इन बच्चों के टुकड़े मत करो, इसका फायदा सरकार उठा सकती है, अभी फैसला आया नहीं है, पता नहीं क्या फैसला आना है, हो सकता है आगे सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, या हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, फिर दोबारा धरने भी देने पड़े, लेकिन इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट अभी इन लोगों ने पैदा कर दिया तो उसका नुकसान बच्चों को भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन लोगों से फिर कहता हूँ एकता में ताकत है, जो सहरा बांधने की कोशिश कर रहे हो मैं खुद आप लोगों के माला डाल दूंगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट पैदा मत करो। वीडियो देखें और शेयर करें।